अपनी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाने के लिए हम क्या कुछ इस्तेमाल नहीं करते, और आजकल तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि चूज करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। लेकिन हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ जाना हम सेफ फील करते हैं, क्योंकि उसके लाभ बहुत होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स उतने ही कम। ऐसे ही एक हर्बल इंग्रेडिएंट की मैं बात करने वाली हूँ, जो है कुमकुमादी ऑयल। कुमकुमादी ऑयल यानी कि ताइलाम बना है रेड सैफ्रन से। इसमें 21 से भी ज़्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, और कहा जाता है कि कुमकुमादी ऑयल यूज़ करने से आपकी स्किन सोने की तरह चमकने लगती है। देखा जाए तो ये ऑयल काफ़ी सालों से हमारे आसपास है, लेकिन अब जाके इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। लेकिन इस तेल की खासियत क्या है? देखा जाए तो कुमकुमादी ऑयल के हमारी स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका हाइपर पिगमेंटेशन और डिसकलरेशन को कम करना। इसके अंदर काफ़ी सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि केसर, चंदन और मंजिष्ठा, जो हमें UVA और UVB रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही ये टैनिंग और पिगमेंटेशन से बचाता है और हमारी स्किन को साफ करके चमकदार बनाने में मदद करता है। कुमकुमादी ऑयल यूज़ करने से हमारी स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ता है। यही नहीं, इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, और तो और इससे फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। कुमकुमादी ऑयल एक्ने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ऑयल क्लॉग्ड पोर्स को साफ करता है, जिससे नया एक्ने नहीं बनता। और साथ ही अगर आपको एक्ने हो गए हैं और उसके बाद आपकी स्किन पर काले दाग धब्बे हैं, तो उसको भी साफ करने में ये काफ़ी कारगर है। अब बात आती है कि कुमकुमादी ऑयल को यूज़ कैसे करना है। इसके लिए आप पहले अपनी स्किन को वॉश करके क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद इस ऑयल को लगाकर रात भर छोड़ दीजिए। तो ये थे कुमकुमादी ऑयल के फायदे और उसको यूज़ करने का तरीका। क्या आप इसे यूज़ करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग अस।